हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में, ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो बिना कुछ जाने चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जिस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था और वह UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, आप IPS की कमान कैसे संभालेंगे? तो मैं इसका उत्तर आपको लिख के नहीं बोल के दूंगा, क्योंकि उस समय के जो एस्पिरेंट थे उन्होंने काफ़ी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। जवाब देते हुए कहा कि सर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकेगी? तो उस समय के जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने उनको गिलास में पानी भरते हुए उनको पानी दिया। तो एस्पिरेंट ने कहा कि सर, मैं गिलास के पानी में कांच के गिलास में पानी नहीं पीऊँगा, मैं स्टील के गिलास में पानी पीऊँगा। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि पानी पीने में कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास का क्या काम, ये कैसे मैटर करते हैं? तो एस्पिरेंट ने कहा कि यही सर, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, IPS की कमान संभालनी है तो इसमें हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम का क्या काम, ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, मैटर तो मेरा नॉलेज करता है ना। तो इंटरव्यूअर को अच्छा जवाब मिल गया और वो भी इसी प्रकार का जवाब उस एस्पिरेंट से, इसी प्रकार के जवाब की कामना कर रहा था। तो चलिए अब समय आ गया है उन लोगों का नाम जानने का जिन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। सागर विश्वकर्मा, वैभव राय, म्यामा BW, संगम फिलॉसफी एंड साइंस, अंकित, अमित, इन लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं जो UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हम उनका नाम हमारे आने वाली अगली वीडियो में लेंगे और साथ ही मैं आपको इसका उत्तर उसी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज अपने नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते थे? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। लॉर्ड एक समिति युग का शब्द है जिसका अर्थ होता है मालिक या स्वामी। इंग्लैंड में यह एक सम्मान का शब्द है इसलिए लोग इसका प्रयोग करते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? तो ये माना जाता है कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन था। हमारा तीसरा प्रश्न है कि मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मक्खी के मुंह में कोई दांत नहीं होता, वह पतली सी तिनके जैसी जीभ से खाने को चूस लेती है। हमारा चौथा प्रश्न है, क्या सीलिंग फैन को 5 नंबर के बजाय 1 नंबर पर चलाया जाए तो बिजली का बिल कम आएगा? जी हाँ, ये प्रश्न आपके भी मन में होगा, तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा, अगर पंखे का रेगुलेटर पुराना है तो 1 नंबर पर चलाने पर भी बिल 5 नंबर के बराबर ही आएगा। आप 1 पर चलाएं या 5 पर, बिल में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। पुरानी रेगुलेटर एक तरह से प्रतिरोधक ही है। हमारा पांचवा प्रश्न है, गाय का गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा, हाल ही में गाय का गोबर खरीदने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। वही हमारा छठा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारे भारत देश का। हमारा सातवां प्रश्न है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका उत्तर होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की पतली परत होने के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। हमारा आठवां प्रश्न है, क्या 6 उंगली वाले लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जी नहीं, 6 उंगली वाले लोग आर्मी के नियमानुसार उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर उन्हें आर्मी ज्वाइन करना है तो उन्हें सर्जिकल ऑपरेशन से एक्स्ट्रा फिंगर को हटाना होगा, इसके बाद ही आर्मी में वो जा सकते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है कि डॉक्टर RX क्यों लिखते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आर का लैटिन भाषा में रेसिपायर अर्थ है,
खाइए या लीजिए। आर के नीचे एक्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह रोमनों के देवता जुपिटर का निशान जैसा हो जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न है, पागल कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न भी समाप्त हुआ। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर समय बचा हो आपके पास। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस, ऑल द वेरी बेस्ट।